आज डिलिस्टिंग को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में किया गया है, और जिसमें कि तमाम जितने भी जनजाति विकास मंच की ओर से जो है संगठन के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, और तमाम भाजपा के भी कई सारे नेता इस कार्यक्रम में मौजूद आए। हालांकि कहा गया कि सभी कार्यक्रम में लोगों को आने से, जो जिला से अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आना चाह रहे थे जगह जगह पर, उनको रोक दिया गया। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा है, यह भी आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं और हमेशा से डिलिस्टिंग का जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर डिलिस्टिंग ही क्यों नहीं, मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं यह संगठन बातचीत करता है, या और भी सरना कोड को लेकर क्यों नहीं बातचीत करता है, या तमाम जो UCC की बात हो या उन सब चीज़ों में CNT SPT एक्ट की बात हो, उन सब में आवाज़ नहीं उठाती है यह जो कमेटी है, लेकिन आखिर डिलिस्टिंग पे ही आवाज़ उठाती है। क्या मानते हैं डिलिस्टिंग, आप मानते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों विरोध करते हैं आप लोग? डिलिस्टिंग का जहाँ तक मेरा मानना है सीधा सीधी कि पहला तुम सवाल करेंगे इसका आयोजक लोग कौन है, और हम बार बार कहना चाहेंगे और कहेंगे ही डिलिस्टिंग के दायरे में जनजाति विकास मंच है, जनजाति सुरक्षा मंच के लोग खुद डिलिस्टिंग के दायरे में हैं। हमारा कहना है कि भाजपा RSS BHP ये सब संगठन से संबद्ध लोग हैं और ये लोग जनजाति सुरक्षा मंच की बात करते हैं। मेरा कहना है कि डिलिस्टिंग हो तो सिर्फ ईसाई क्यों, मुस्लिम ही क्यों, आदिवासी ईसाई भी बने हैं, बौद्ध भी बने हैं, जैन भी बने हैं, मुस्लिम भी बने हैं, तो उस पर क्यों नहीं भाई? और आखिर 24 दिसंबर को ये रैली करने का क्या मतलब है? तो क्या मानते हैं कि एक धर्म पे चोट किया जा रहा है? ये दरअसल ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन लोग खड़े कहाँ हैं, पूरे देश में बोलने के कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक ना, ठीक बात है, लेकिन इन लोग खड़े कहाँ हैं? आप खुद डिलिस्टिंग के दायरे में हैं इन लोग, डिलिस्टिंग। अच्छा, आदिवासी हिंदू बने उस पर तो नहीं बोलते हैं? बोल रहे हैं आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, आरक्षण सही लाभ नहीं मिल पा रहा आदिवासियों को, इसलिए ये ऐसा चाह रहे हैं कि इन लोग को संविधान को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे जानकार भी हैं। मेरा कहना साफ साफ कहना है, इस देश में धर्म के आधार पर नौकरी मिलती है, धर्म के आधार पर यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है, ST SC OBC यही है ना आरक्षण कैटेगरी। तो मेरा कहना है कि आप रिलीजन के आधार पर जब ये नहीं है तो इस पर हगुआ खड़ा करना क्या मतलब है? रिलीजन के आधार पर कहाँ, रिलीजन के आधार पर सीट है क्या? कहाँ बता दीजिए हमको इस देश के अंदर में, मैंने मुसलमान का सीट, ईसाई का सीट, ऐसा कहीं होता है क्या? अब सवाल ये है, आरक्षण का लाभ तो मिलता है ना? देखिए इस पर सीधा सीधी बात है, आरक्षण का लाभ मिलता है, आदिवासी है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही। मेरा साफ साफ कहना है, वही आरक्षण का विरोध हो रहा है उसी पर नहीं ये लोग सवाल। मेरा कहना है ठीक है, आरक्षण का विरोध हो रहा है तो सिर्फ आप ईसाई आदिवासी क्यों ज्यादा करवा रहे हैं ना धर्मांतरण, जब ज्यादा हो रहा है ना उसके धर्म के प्रति, इसलिए कितना मुकदमा है दिखाना होगा ना इस देश का। मैं कह रहा हूँ कोई सरकार का कानून छोड़ा डाल दीजिए, मैं भारत सरकार का बात नहीं कर रहा, भारत के संविधान में साफ साफ है जबरन लोभ दबाव से किसी को आप धर्मांतरण कराते हैं तब आप तो उस पर आज तक क्या मुकदमा हुआ है, कितना मुकदमा हुआ है? तुम आंकड़ा पेश करना चाहिए इनको ना कि धर्मांतरण, वही आंकड़े को देख कर नहीं ये कार्यक्रम देखिए मेरा नहीं कहाँ है भाई आंकड़ा दिखाई ना कितना संख्या है। तो मेरा कह रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, अब स्वेच्छा से एक बालिग आदमी स्वेच्छा, भारत का संविधान अधिकार देता है ना, मौलिक अधिकार देता है ना, हैं तो आप एक बालिग आदमी कोई भी धर्म मान सकते हैं, हैं कोई भी आदमी मान सकते हैं, ये संविधान अधिकार दिया है। रही बात जो इन लोग डिलिस्टिंग का, जिस मुद्दे पर डिलिस्टिंग कर रहे हैं, मेरा साफ साफ कहना है आप डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, आप सरना कोड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? बोले ना जैसे मिल जाएगा डिलिस्टिंग होगा तो सब कुछ धीरे धीरे, नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है हमारा एक भी। मैं कह रहा हूँ कि आदिवासियों कितने सारे आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आप देखेंगे नगर निकाय चुनाव जो हो रहा था इसका विरोध हम लोगों ने किया, जो सीटें आदिवासी सीटें कहते वह उसमें हम लोगों ने ये वनाधिकार कानून का जो हुआ उसका विरोध किए, UCC कानून पर हम लोग विरोध किए, जमीन के सवाल पर लड़िए रहे हैं, तो ये सारा सवाल पर इन लोग कहाँ खड़े रहते हैं? आदिवासियों का जनजाति के लेकर एक भी इन लोग का आवाज़ नहीं निकलता है ना, और ये लोग बात करेंगे जनजाति का लड़ाने के लिए। तो मेरा कहना है कि साफ साफ इस खास मकसद से, खास एजेंडा के तहत लोग ये रैली कर रहे हैं, जिसका मकसद है आदिवासियों के जो मूल लड़ाई है, क्या है बुनियादी लड़ाई जो है, जंगल जमीन का है, परंपरागत अधिकार का है, जमीन का है, CNT SPT है, उन लोग का ये UCC कानून है,
है ना, छत्तीसगढ़ मणिपुर सारा घटना में कहीं आप इन लोग कुछ एक शब्द नहीं बोले। तो मेरा कहना है कि सिर्फ 24 दिसंबर को ही आता है ये कार्यक्रम। मेरा सवाल यहाँ हर बार ये क्या मामला है। लेकिन ये जनजातीय सुरक्षा मंच ने कहा कि हमें मिशनरी समाज भी बुलाए, हम वहाँ भी जाएंगे, हमको बुलाए, निमंत्रण दे, हमको उनका विरोध हम नहीं कर रहे हैं, उनका हम आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है उस पर वह विरोध कर रहे हैं इन चीज़ों का। तो आप ईसाई पर ही क्यों बोल रहे हैं भाई, आप हिंदू हिंदू आदिवासी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप मुस्लिम आदिवासी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो हम लोग बोल रहे हैं आदिवासी, हमारा कहना है कि अच्छा बताइए तो इन लोग क्या कहते हैं आदिवासी क्या है। आदिवासी आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, नेचर को मानते हैं, और इससे जो कालांतर में बहुत लोग हिंदू बने, मुस्लिम बने, बौद्ध बने, ईसाई बने। लक्ष्मी नारायण मुंडा धर्मांतरण का विरोध करता है या नहीं करता या समर्थन करता है? मैं जबरन धर्मांतरण का विरोध करता हूँ। आप लोग आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ? जबरन होगा तो आवाज़ उठाएंगे ही, उठाए हैं। या जमीन की जो लूट होती है उस समय आप लोग उठाते हैं? हाँ उठाते हैं, स्वाभाविक है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि हम इन लोग के नैतिकता और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आवाज़ उठाना सभी चीज़ों की। हाँ मैंने, हाँ सब सही बात है। इन लोग नैतिकता कहाँ है? आप किसी गोद में खेल के आप RSS भाजपा विहिप से संबंध रहिएगा और आप डिलिस्टिंग का बात करिएगा, ये लोग आदिवासी की हितैषी नहीं है? नहीं एकदम नहीं। अब भैया नहीं, राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू को, कुर्सी में बैठ जाने या तो कोई बता रहे हैं ना, कुर्सी में बैठ जाने से आदिवासी का भला नहीं होने वाला। बड़ा पद आजकल नहीं ना, मंत्री बनाया ना सही। आपको बता दें इस देश के अंदर में भाजपा RSS वाला लोग का बहुत यह है कि देखिए बता रहे हैं, जब जब आदिवासी जब जब जिस समाज को ज़्यादा क्षति पहुँचा तब तक उसका झूठा गौरव दिलाने के लिए सब खेल होता है। आप गौर करिए इस देश के अंदर में जब मुस्लिम पर हमला होना शुरू हुआ था तब मुस्लिम राष्ट्रपति बनाएंगे, दलित पर हमला शुरू हुआ तो दलित राष्ट्रपति बनाएंगे, अब आदिवासी को आदिवासी राष्ट्रपति बनाएगा, आदिवासी पर हमला हो गया। आप बता, जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ये जो मंदिर बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, देखिए अब सिर्फ कारपोरेट लूट के लिए जगह बनाने के लिए आदिवासी को सामने रख दिया जाता है और उसके पीछे लूट किया जाता है। तो मेरा कहना है कि कुर्सी पर नहीं देख रहे हैं हम, उसके लिए उसका आप आदिवासियों के समाज के लिए आपके पास एजेंडा क्या है ये तय होना चाहिए। कुर्सी में लक्ष्मी मुंडा बढ़ जाए और पूरा आदिवासी समाज का हित होगा ही, ऐसा कुछ होता होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं तो हम झारखंड में आप देख रहे होंगे 23 साल होने जा रहा झारखंड का, रघुराज चौड़ के सब तो आदिवासी मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ झारखंड का असर क्या है? तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से ही, अगर आदिवासी कुर्सी में जाने से अगर आदिवासी समाज का हल होगा तो ये बेतुका बात है, ऐसा कुछ होता होता नहीं है। मैं आज के कार्यक्रम से आप लोग संगठन क्या संदेश, अगर डिलिस्टिंग होता है तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं? कुछ होने वाला नहीं है, झुंझुना है, आदिवासियों को ठगने का कार्यक्रम है। मेरा कहना है कि क्यों रैली कर रहे हैं भाई आप, देश में आपका प्रधानमंत्री आपकी सरकार है, यही लोग भाजपा के सांसद लोग हैं, और वहाँ पर आप वहाँ पर जाइए, भारत कानून नहीं है, कहाँ ये तो हाय वल्ला कर रहे हैं जगह जगह रैली जुल्स करके, आप सीधे जाइए वहाँ पर विरोध करने लगेंगे ना, हंगामा होने लगेगा ना अगर अचानक से कानून बनेगा तो। नहीं कोई ऐसा नहीं होने वाला, कानून 370 हटा ना, अब नहीं बना सकते हैं देश में इतना आपका आपका कहना है कि करके दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए, जो करना करिए, लेकिन उसमें डोड़ा मत पीटिए। हाँ झूठों का हुआ खड़ा करके लड़ाने का आप करना है करिए ना भाई, आप वहाँ पर केंद्र में आपकी सरकार है, आप लाइए कानून लाइए सीधे सीधे इंप्लीमेंट करिए, इतना हुआ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, हैं लाइए सीधे सीधे सरकार सर्कुलर भेजिए, अधिसूचना जारी कीजिए, खत्म कहानी। तो इतना करने का क्या जरूरत है नीचे, ये दरअसल आदिवासी समुदाय को बांटने के लिए लड़ाने के लिए इसे माहौल बनाने का ये है, और ये वोट बैंक की राजनीति है। मेरा मुंडा समर्थन देगा अगर कानून बन जाएगा तो फिर? अभी कानून बनता कौन समर्थन नहीं करता है, कानून बनता है समर्थन करते ही हम लोग, लेकिन सवाल है कानून बने तो कानून पर बहस हो संसद में, पार्लियामेंट में बहस हो, इस पर कानून बनना चाहिए कि दरअसल निशाना, और ये बोल रहे हैं कि एक तरफ निशाना के साथ दिएगा तो वहाँ बात दूध का दूध, बहस करा के कानून बना के लाए इन लोग, ये सब करने की जरूरत क्या है? हम और एक बात बताना चाहेंगे, इसमें करिया मुंडा जी शिरकत किए हैं। हाँ सस्पत बात यह है कि करिया मुंडा 8 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे, मेरा ही संसदीय क्षेत्र से कोटी से 8 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री रहे हैं, अभी उसमें याद नहीं आया, अभी याद आ रहा है जब सारा चीज़ खत्म हो गया, तब जब चिड़िया चुग गई खेत, तो मैं अब करिया मुंडा इतने साल जो रहे हैं सांसद रहे हैं 8-8 बार, तो क्या उसमें हड़िया पिए हुए थे का? अब हड़िया पीने छोड़ दिए हैं का? तो मेरा साफ साफ कहना है कि दरअसल ये हवा खड़ा करने माहौल ख़राब करने का है, अगर ईमानदारी है तो जनजाति सुरक्षा मंच आदिवासियों के तमाम मुद्दों में सामने आए, जितनी लड़ाई चलती है आदिवासियों का
सामने आए, वहाँ तो बोलेंगे नहीं, सरनाकोट पर सामने आए आदिवासी। हम नहीं बोल रहे हैं कि सरनाकोट ही, हमारा कहना है कि आदिवासी लोगों के लिए अलग रिलीजन होना चाहिए जो प्रकृति पूजक हैं। उसके बाद डिस्टिंग की बात करें तब तब बात करेंगे, तब सबको जो हिंदू बने, बौद्ध बने, सिख बने, मुसलमान बने, ईसाई बने, सबको बोलेंगे घर आपसी करो, वहाँ इन लोग खड़ा नहीं होंगे। तो मेरा कहना है इन लोग का नैतिकता पर, इन लोग का ईमानदारी पर सवाल बनता है, और ये खास एजेंडा के तहत चुनावी राजनीति को साधने के लिए, भाजपा आरएसएस को मजबूत करने के लिए सब खेल किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो ये चुनावी सिगुफा है कि डिलिस्टिंग का कार्यक्रम कर जो है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये एक सिगुफा छोड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं अगर करना ही है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बहुमत है, कानून बनाना है कानून बना रहे, जिस तरीके से धारा 370 हटाया गया उसी तरीके से डिलिस्टिंग कर दिया जाए। सरनाकोट की मांग आज भी कर रहे हैं आदिवासी और आगे भी करते रहेंगे। सरकार से एक ही इनका मांग है कि अगर ऐसे संगठन जो मांग करते हैं कि डिलिस्टिंग होनी चाहिए, उन संगठनों को हर मुद्दे पर जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, चाहे वो ज़मीन बचाने की बात हो, सरनाकोट की बात हो, या तमाम जितने भी जो आदिवासियों की हक अधिकार के लिए बातें सामने आती हैं, उस समय यह संगठन आखिर कहाँ रहते हैं, यह एक बड़ा सवाल जो है आदिवासी संगठन के लक्ष्मी नारायण मुंडा का भी कहना है। फिलहाल इस खबर में लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।